बीकानेर के कद्दावर नेताओं में शुमार देवी सिंह भाटी ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की एक बैठक में जाकर उन्हें खरी खोटी सुना दी। बैठक में ही कलेक्टर पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। इससे पहले खुद ही भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर सुर्खियां बटोर चुके हैं। पिछले दिनों भाटी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बीकानेर दौरे के दौरान उनकी सभा कराकर भी सुर्खियां बटोरी थी। उस समय यह चर्चा थी कि वसुंधरा की सभा में ही भाटी की भाजपा में घर वापसी हो सकती है, लेकिन उनकी वापसी अटक गई थी। देवी सिंह भाटी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस दिन अर्जुन राम मेघवाल की बैठक थी उसी दिन मुझे 12 बजे मिलने का समय कलेक्टर ने दिया था। मैं गोचर भूमि अतिक्रमणों से जुड़े एक विवाद को लेकर वहां पहुंचा था तो देखा पहले से ही मीटिंग हॉल में बैठक चल रही थी। मेघवाल सामने थे तो उनके कुछ मुद्दे और वायदे याद दिला दिए। मैंने उनसे नहर के पानी का मुद्दा उठाया, जिन जगहों पर पानी लाने का उन्होंने वादा किया था। इसके अलावा राजस्थानी भाषा के बारे में भी पूछा था कि उसका क्या किया। इस पर उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा कलेक्टर को इशारा किया कि मेरे प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक करें। कलेक्टर ने हमारे साथ 50 मिनट की बैठक की और मेघवाल से अलग बैठक किया। सभी के अलग अलग स्वभाव होते हैं, मेघवाल का चुप रहने का स्वभाव है और मेरा बोलने का। भाजपा में शामिल होने पर भाटी ने कहा कि फिलहाल भाजपा में जाने की कोई इच्छा नहीं है। इससे पहले समर्थकों की जिद के आगे मैं शामिल होने को राजी हुआ था, वरना मैं तो खुले में घूमने पर विश्वास करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।